मैं डॉक्टर बी एस रहा हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी से होमोपैथी किया मैं, और पहले में भी मैं करता हूँ, मेरा दवाखाना श्रीनिवास दवाखाना महल झंडा चौक नागपुर में है मेरा जी। राव सर, आप मुझे बताइए कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये क्या होता है? कोलोरेक्टल कैंसर जो है ना कैंसर है, वो भी यानी कि रेक्टम में जो होता है ना उसके कोलोन कोलोन में बोलते हैं ना, उसके कोलोन में कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। ये पाइल्स के बाद का स्टेज है, तो आखिरी स्टेज में होता है, तो पाइल्स में होता है और फिस्टुल में भी होता है कैंसर है। क्या प्रमुख कारण होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर होने के? तो लोग जो अवेयरनेस रहते हैं ना कि पाइल्स है भाई, ये दवा वो दवा खाओ, और बाद में उसको कुछ धुआं जो लेते हैं, सेकेंड जो करते हैं धुआं, उसी में होता है वो कैंसर, उसी में ज़्यादा होता है कैंसर होता है। और जो फिस्टुला जो होता है, फिस्टुला जो अंदर में जो पास होके इंटरनल में रेक्टम तक चल जाता अंदर में, तब भी कैंसर होता है। अच्छा, तो ये इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या? लक्षण सिम्टम उसके जो है ना, पेन होना, सीवियर पेन रहता है, दर्द ज़्यादा रहता है उनको, सोच के समय जो है पानी जो लिक्विड अपना जो खून जो आता खून और पास मिल के निकलता रहता काला काला, और वो बहुत इनकी सोच नहीं कर सकते वो लोग, तो उतना बहुत पेनफुल रहता है। ओके, तो ये जो है इसका, अब किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है या पाइल्स है या फिस्टुला है, ये इसको यानी कि डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता? पर पी आर है ना कि जो रेक्टम जो है ना संडास जगह चेकअप करने में मालूम होता है उसका जी। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, मतलब किस तरह से चेकअप किया जाता है इसका? किस तरह से पी आर है ना कि एक प्रोटोस्कोपी का आता है, उसे चेकअप किया जाता है, और दूसरा इनके तुम्हारा जो अभी कोलोनोस्कोपी उसी चेकअप किया जाता है, उसे डायग्नोस किया जाता है। आपके यहाँ पे पाइल्स और फिस्टुला के लिए क्षार सूत्र पद्धति की जाती है, तो क्षार सूत्र पद्धति क्या होती है, क्या करेगी? क्षार सूत्र आयुर्वेदिक पद्धति है, तो यानी इस ओल्ड पुराना जो आयुर्वेदिक पद्धति है ना, वो पद्धति से किए जाते हैं। उतनी जगह एनेस्थीसिया देके लोकल जो पाइल्स बाहर आता है उसको हम लिगेट करा दे, जो हमारा जो धागा रहता है धागे में, क्षार क्षार बोल तो धागा, सूत्र बोल धागा, क्षार बोल तो दवाई, क्षार सूत्र, हाँ उसी करने बंदे के वो आठ दिन में अपने आप गल के निकल जाता पूरा पाइल्स वगैरह जी। तो फिर वो जब पाइल जो है जो गल के निकल जाते हैं, फिर वो वापस बढ़ता नहीं क्या? नहीं बढ़ता नहीं, फूट साफ निकलता ना। यानी अभी जो एक एडवांस सर्जरी वगैरह ये सब बताए गए हैं, हाँ। इसमें और क्षार सूत्र में अच्छा, एडवांस सर्जरी में क्या, उसको कट करके उसको कटा करके उसको स्टिच मारते हैं जी, और दूसरा लेजर जो है ना उसको प्रेसअप सप्रेस करते हैं उसको जी। क्षार सूत्र में जो रूट ऑफ कैनाल निकलता है जी, इंटरनल जितना भी पहले से अंदर तक जी पूरा निकल जाता है, पूरा निकल जाता है। चैनल के माध्यम से आपको जो दूरदराज के लोग जो देख रहे हैं, इनको क्या एक मैसेज आप देंगे? पहले से अवेयरनेस रहो और वो डाइटरी हैबिट्स चेंज करो, और आप लोग जो बाहर के जो दवाई जो बताते हैं वो मत खाइए, जितना भी होंगे जहाँ पे जब डॉक्टर पास जाइए उनसे जो सलाह लो, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट करो। जैसा सर देखा जा रहा है आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो किस तरह का डाइट होना चाहिए इंसान में जिससे ना होना कि इसके ये सब ना हो? यस, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें जो फास्ट फूड जो खा रहे लोग, तो फास्ट फूड टोटल अवॉइड करना है, जो पिज्ज़ा खाते हैं, जो फास्ट फूड जो खाते हैं जितना भी पिज्ज़ा बर्गर हो बहुत अवॉइड करना पड़ता, और वो पानी जो पीना है, पानी बहुत भरपूर पीना, मात्रा पानी की कम मात्रा होती है, और वर्क जो करते हैं अपन कंटिन्यू सिटिंग जो करते हैं बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे, वो थोड़ा अवॉइड करना है जी। हमारा नागपुर में अगर बात अगर करें तो नागपुर के लोग सब्जी मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मसाले खाना बहुत खाते हैं, वो भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, मसाले कम करना है, और डाइटरी बोल दो दही का और छाछ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, डाइट में लेना, डाइट में फॉलो करना, और फ्रूट्स और खाना है उससे आपका डाइटरी हैबिट फाइबर जो जितना जान देंगे ना, जितना शरीर में फाइबर डट जाएगा ना, उसी बहुत अवॉइड हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अपन श्रीनिवास हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज आपके द्वारा यहाँ अवेलेबल है? अच्छा, मेरा जो फैसिलिटीज है यहाँ पे ओनली पाइल्स फिस्टुला फिशर्स, वही बता रहा हूँ।